क्योंकि आज ये लोग पार्टी करेंगे। तभी हर्ष बोलता है, अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी आ गए गुल्ली बुल्ली, क्योंकि इधर जेसन घूम रहा है और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जैसे ही सब रूम के तरफ आगे बढ़ने लगते वैसे ही कोई गेट को पीटने लगता है बहुत तेज तेज से। ये सुन के हर्ष बोल लगता है मां गया है, वो भी हम लोग पार्टी करेगा। हर्ष गेट खोलने जाता तभी पीछे से बुल्ली बोलता है, ऐसे हम लोग गेट नहीं, क्या पता ये जेसन हो और हम। इतना सब सुन के सोहन बोलता है, चलो हम लोग घर के छत पे जाके देखते हैं कि एडम है या फिर जेसन। सब लोग छत पे जाने लगते हैं, हर्ष बहुत डरा हुआ होता है। सब लोग छत पे पहुंच जाते हैं। छत से नीचे जैसे ही गुल्ली बुल्ली और सोहन देखते हैं इनका होश उड़ जाता है और पीछे हट जाते हैं। हर्ष भी आके देखता है नीचे, अरे ये क्या, ये तो जेसन है। सब बहुत डर जाते हैं जेसन को देख के। जेसन ऊपर देखता है और बोलता है, आज तुम सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के गुल्ली बुल्ली सोहन और हर्ष का हालत खराब हो जाती है। बोलता है कि अब तो बाबा को बुलाना पड़ेगा। गुल्ली तुरंत अपना फोन निकालता है और बाबा के पास फोन लगाता है। इधर बाबा एक्सरसाइज करने में लगे होते हैं और बाबा एक्सरसाइज करते वक्त किसी का फोन नहीं उठाते हैं। गुल्ली बोलता है, बाबा तो फोन नहीं उठा रहे हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उधर नीचे से जेसन ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी उसे वहां रखी एक सीढ़ी दिखाई देती है। जेसन छत पे आने के लिए सीढ़ी दीवार पर लगा देता है और छत पे आने लगता है। जेसन को ऊपर आते देख गुल्ली बुल्ली और हर्ष का होश उड़ जाते हैं। इधर जेसन भी छत पर आ रहा होता है सीढ़ी के सहारे धीरे धीरे। ये देख के सब डर जाते हैं और नीचे की तरफ भागने लगते हैं। और जेसन भी छत पे आ गया होता है। गुल्ली बुल्ली छत के गेट से नीचे भागते हैं। पीछे से हर्ष भी नीचे उतर रहा होता है और तभी जेसन पीछे से सोहन को पकड़ लेता है। अरे ये क्या, जेसन ने तो सोहन को पकड़ लिया है। अब सोहन नहीं बचेगा, शायद ये सोहन का आखिरी दिन है। ये देख के गुल्ली बुल्ली और हर्ष डर जाते हैं। तभी हर्ष थोड़ा हिम्मत करके वहां रखी एक डंडे से बहुत तेज जेसन के हाथ पर मारता है। सोहन बच जाता है और मार के तुरंत वहां से जान बचा के सोहन, हर्ष और गुल्ली बुल्ली साथ में नीचे भागने लगते हैं और छत का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये देख के जेसन बहुत गुस्सा जाता है और अब जेसन हर्ष को नहीं छोड़ेगा, मार ही देगा। जेसन बहुत गुस्से में होता है। जेसन बहुत तेज तेज से गेट पर लात मारता है और गेट टूट जाता है। आज जेसन इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जेसन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली और सोहन जेसन को आते देख के डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और हर्ष रूम में छुप जाते हैं और रूम का गेट बंद कर देते हैं। और हर्ष को कुछ समझ में नहीं आता है, वो छत के सीढ़ी के नीचे छुप जाता है। उधर जेसन गुस्से में इधर उधर देखता है और नीचे आ रहा होता है। जेसन हर्ष का पैर देख लेता है। अब जेसन हर्ष को नहीं छोड़ेगा, मार देगा। जेसन हर्ष के पास आता है और हर्ष को उठा लेता है मारने के लिए। इधर गुल्ली बुल्ली और सोहन समझ जाते हैं कि अब जेसन हर्ष को नहीं छोड़ेगा, मार ही देगा। तभी कोई गेट को बहुत तेज तेज से पीटने लगता है जिससे जेसन बहुत गुस्सा जाता है और हर्ष को छोड़ के गेट खोलने जाता है। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि शायद बाबा आ गए हैं गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए। जेसन गेट खोलता है। ये क्या, ये तो एडम है, हर्ष का दोस्त। आज एडम नहीं बचेगा, बहुत गलत समय पर आ गया है। अब जेसन का सारा गुस्सा हर्ष के दोस्त एडम पर निकल जाएगा। गुल्ली बुल्ली सोहन रूम से बाहर निकलते हैं और हर्ष के पास आ जाते हैं। हर्ष पीछे से बोलता है, एडम भागो वहां से जल्दी, नहीं तो जेसन तुम्हें मार देगा। एडम भागता है, तब तक जेसन उसे पीछे से पकड़ लेता है। एडम जैसे ही जेसन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, जेसन उसका हाथ काट देता है। ये सब देख के गुल्ली बुल्ली सोहन और हर्ष बहुत डर जाते हैं और विंडो तोड़ के बाहर निकल जाते हैं।
उधर जेसन एडम का हाथ काटने के बाद भी नहीं रुकता है। जेसन तुरंत एडम का गला काट देता है। गला काटने के बाद जेसन गुल्ली बुल्ली और हर्ष के पीछे भागता है। अब जेसन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेसन बहुत गुस्से में होता है और गुल्ली बुल्ली सॉन और हर्ष को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली और सॉन बहुत तेज तेज से भागते हैं। हर्ष बहुत डरा होता है जिसके वजह से हर्ष धीरे धीरे भागता है। तभी हर्ष का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। हर्ष जैसे ही उठता है जेसन अपना तलवार चला के मारता है। तलवार सीधे हर्ष के कंधे पे जाके लगता है। तलवार लगने से हर्ष नीचे गिर जाता है। जेसन हर्ष को पकड़ के बीच से काट देता है। गुल्ली बुल्ली और सॉन देख के बहुत डर जाते हैं और बहुत तेज तेज से भागने लगते हैं। पीछे से जेसन भी आ रहा होता है। तभी गुल्ली को थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, वो देखो वहाँ एक घर है, हम सबको शायद वहाँ कोई हेल्प मिल जाए। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली, हम सबको जल्दी से घर तक पहुँचना होगा, नहीं तो जेसन हम सबको मार देगा। इतना बोल के गुल्ली बुल्ली और सॉन जल्दी जल्दी घर की तरफ भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सॉन उस घर के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा को तेज तेज से पीटने लगते हैं। तभी अंदर से एक बूढ़े अंकल आते हैं और गेट खोलते हैं। गुल्ली बुल्ली और सॉन अंकल को सब बताते हैं। अंकल बहुत डर जाते हैं सुन के। तो फिर अंकल बोलते हैं, चलो फिर हम लोग गेट बंद करके छत पर भाग जाते हैं। उधर जेसन भी आ रहा होता है। जेसन घर में जाते देख लेता है गुल्ली बुल्ली को। गुल्ली बुल्ली गेट बंद कर देते हैं और छत पे जाने लगते हैं। तभी पीछे से जेसन आ जाता है और लात मार के गेट तोड़ देता है। जेसन गुल्ली बुल्ली और सॉन को देख लेता है छत पे जाते हुए और जल्दी जल्दी छत पे जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सॉन और अंकल छत की तरफ भागते हैं। तभी हर्ष फिसल जाता है और अंकल वहीं गिर जाते हैं। जेसन अंकल के पास आता है और अंकल को पकड़ के अपनी तलवार से काट देता है। ये दी और सॉन डर के कांपने लगते हैं और वहीं एक रूम में चले जाते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, हम लोग ये विंडो तोड़ के यहाँ से कूद जाते हैं, नहीं तो जेसन हमें भी मार देगा। तभी गुल्ली बुल्ली और सॉन वहाँ से कूद जाते हैं और गुल्ली बुल्ली सॉन जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उधर जेसन अंकल को मार के गुल्ली बुल्ली और सॉन के पीछे पीछे आने लगता है जंगल के तरफ। शायद आज गुल्ली बुल्ली और सॉन का आखिरी दिन होगा। अब कौन बचाएगा गुल्ली बुल्ली और सॉन को जेसन से? गुल्ली बुल्ली और सॉन जंगल में पहुंच जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जेसन भी पीछे से आ रहा है। इधर जेसन सॉन को पेड़ के पीछे छुपे हुए देख लेता है। जेसन सॉन के पास आता है और सॉन को पकड़ लेता है। जेसन सॉन को अपने तलवार से काटने ही वाला होता है, तब तक वहां बाबा आ जाते हैं। लेकिन यहां बाबा आए कैसे, चलिए जानते हैं। जब बाबा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब गुल्ली का फोन आ रहा होता है। बाबा एक्सरसाइज करने के बाद फोन देखते हैं तो बाबा को पता चलता है कि ये तो गुल्ली का फोन है। बाबा समझ जाते हैं कि गुल्ली बुल्ली जरूर कोई मुसीबत में होंगे। बाबा तुरंत वहां बादल को बुलाते हैं। बादल, तुम हमें गुल्ली बुल्ली के दोस्त हर्ष के पास ले चलो। तब बादल बोलता है, ठीक है बाबा। बाबा बादल पे बैठ जाते हैं और हर्ष का घर ढूंढने लगते हैं। तभी बादल बोलता है, बाबा वो देखो वहां एक घर दिखाई दे रहा है, शायद ये हर्ष का घर है। बाबा बोलते हैं, चलो बादल फिर घर के पास चल के देखते हैं। बाबा बादल के साथ हर्ष के घर पहुंच जाते हैं और बादल से नीचे उतर के घर में जाते हैं। बाबा घर में इधर उधर देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। फिर बाबा घर के बाहर आते हैं।
बाबा जैसे ही घर के बाहर देखते हैं, बाबा का होश उड़ जाता है और बाबा जो देखते हैं देखते ही रह जाते हैं। बाबा को एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। बाबा जब पास जाके देखते हैं तो वो बॉडी हर्ष की होती है। ये देखकर बाबा को बहुत दुख होता है और बाबा सोचने लगते हैं, मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। फिर बाबा बादल के पास जाते हैं और बादल से बोलते हैं, बादल हमें जल्दी से गुल्ले चलो वो में है। बाबा बादल पे बैठ जाते हैं। बाबा और बादल सॉन को ढूंढते हैं और तभी बाबा का ध्यान सॉन पर पड़ता है। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। जेसन सॉन को अपने तलवार से काटने ही वाला होता है, तब तक हाथ पकड़ लेते हैं और बाबा बोलते हैं, छोड़ दो और दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। जेसन ये सुन के गुस्सा जाता है, फेंक देता है। जेसन बाबा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन भी बाबा और जेसन की लड़ाई देखने लगते हैं। तभी जेसन बहुत तेज से लात मारता है और बाबा दूर जाके गिरते हैं और बाबा फिर उठ नहीं पाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, उसने बहुत लोगों को मार दिया है। बाबा ये सुन के उठ जाते हैं। उदा के तरफ आ रहा होता है बाबा को मारने के लिए। तभी बाबा तुरंत एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा जेसन को बहुत तेज से मुक्का मारते हैं। जेसन गिर जाता है। बाबा बहुत गुस्से में होते हैं और बाबा अपने लेजर से जेसन को जला देते हैं। आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तभी टीवी के अंदर से रिपोर्टर बोलता है, आप लोग ध्यान दें, इसमें बहुत बड़ा उठा हुआ है। ये सुन के गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली चले मेला घूमने के लिए। ये सुन के बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली चलो। तभी पीछे से सोन बोलता है, चलो मेला। तभी बुल्ली बोलता है, तुमको हम लोग मेला नहीं ले जाएंगे, तुम वहाँ जाके पागलों जैसी हरकतें करने लगोगे और हम लोगों को मुसीबत में डाल दोगे तुम। ये सुनकर सोन गुस्से में बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा, मेरा दिमाग ना खराब करो नहीं तो वहीं पटक पटक के मारूंगा तुम दोनों को, चलो मेला घूमने जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन घर से बाहर निकल जाते हैं मेला जाने के लिए और अपने जीप में जाके बैठ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन मेला जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, चलो हम लोग रॉड को भी ले लेते हैं अपने साथ। ये सुन के सोन बोलता है, हाँ चलो, रॉड रहेगा तो मेला घूमने में बहुत मजा आएगा। गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड के घर पहुंच जाते हैं। रॉड घर के बाहर चेयर पर बैठा होता है। गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड के पास जाते हैं और गुल्ली बोलता है, चलो रॉड हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो हम लोग के साथ। रॉड मेला जाने के लिए तैयार हो जाता है और सब लोग जीप में बैठ के जाने लगते हैं। जिस रोड से गुल्ली बुल्ली और सोन जा रहे होते हैं वो रोड बहुत खतरनाक होता है और उस रोड से डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली से बोलता है, गुल्ली रास्ता कितना डरावना है और हमें बहुत डर लग रहा है। ये सुना है गुल्ली बुल्ली हमें मेला पहुंचने में गा। तभी बुल्ली बोलता है, हम पहुंच जाएंगे। इतना गुल्ली सोन और रॉड जाने लगते तभी अंधो जाती है और बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही होती है। ये सब सुन के गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड के हालत खराब हो जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड को नहीं पता कि जिस जंगल में ये लोग रुके हुए हैं वो जंगल ग्रेनी और ग्रैंडपा, अगर ग्रेनी ग्रैंडपा ने देख लिया तो जिंदा चबा जाएंगे गुल्ली बुल्ली को। गुल्ली बुल्ली और रॉड जीप से बाहर उतर जाते हैं और इधर उधर देख
बुल्ली और सोहन जंगल की तरफ। तभी सोहन बोलता है, मुझे इस जंगल में भाई। ये सुन के बुल्ली को, देखो सोहन, अगर तुमको चल हम लोग के साथ, नहीं तो चुपचाप घर जा सकते हो तुम। शांत हो जाता है, साथ जाने लगता है। जर्मिट बुल्ली बुल्ली को देख लेता है। बुल्ली सोहन और रॉड के पास आने, इधर बुल्ली बुल्ली सोहन जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये नहीं पता कि ये लोग कितनी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी वहाँ अचानक से मिस्टर मीट आ जाता है। मिस्टर मीट को देख के गुल्ली बुल्ली सोहन और रॉड डर के कांपने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मिस्टर मीट गुल्ली को पकड़ लेता है और डंडे से मार मार के बेहोश कर देता है। मिस्टर मीट गुल्ली को मार के बेहोश करने के बाद उसे वहीं छोड़ देता है। और तभी मिस्टर मीट बोलता है, आज तुम सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के बुल्ली सोहन और रॉड बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इधर मिस्टर मीट सोचता है कि सबको मार के ग्रेनी और ग्रैंडपा के पास ले जाएंगे। तभी बुल्ली और सोहन पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और उधर रॉड गुल्ली के पास जाके गुल्ली को उठाने लगता है। मिस्टर मीट इधर उधर देखता है। तभी उसे रॉड की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर मीट तुरंत रॉड के पास जाने लगता है। शायद अब मिस्टर मीट रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा। रॉड को नहीं पता कि मिस्टर मीट इसके तरफ ही आ रहा है। उधर पेड़ के पीछे से बुल्ली और सोहन रॉड को देख रहे होते हैं और रॉड के तरफ इशारा करते हैं कि रॉड तुम वहां से भाग जाओ, नहीं तो मिस्टर मीट तुम्हें भी मार देगा। रॉड ये सब देख नहीं पाता है। तभी वहां मिस्टर मीट आ जाता है। रॉड मिस्टर मीट को देखता है और रॉड जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, मिस्टर मीट तुरंत रॉड को डंडे से मार देता है और रॉड वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही ये सब बुल्ली और सोहन देखते हैं, इनकी चीख निकल जाती है। और तभी मिस्टर मीट देख लेता है बुल्ली और सोहन को। मिस्टर मीट बुल्ली और सोहन के पास जाने लगता है। अब मिस्टर मीट बुल्ली और सोहन को नहीं छोड़ेगा, मार ही देगा। बुल्ली और सोहन को नहीं पता कि मिस्टर मीट इनके ही तरफ आ रहा है। मिस्टर मीट को जैसे ही बुल्ली सोहन देखते हैं, इनका होश उड़ जाता है और डर के कांपने लगते हैं। और तभी तुरंत ही मिस्टर मीट अपने डंडे से मार मार के बुल्ली और सोहन को बेहोश कर देता है। मिस्टर मीट बुल्ली और सोहन को पकड़ के रॉड और गुल्ली के पास ले जाता है। मिस्टर मीट वहां तुरंत जादू से गाड़ी मंगाता है। गाड़ी आ जाती है। मिस्टर मीट एक एक करके गुल्ली बुल्ली सोहन और रॉड को गाड़ी में डाल देता है। गुल्ली बुल्ली सोहन और रॉड बेहोश रहते हैं और इनको पता नहीं कि मिस्टर मीट इन्हें कहां ले जा रहा है। मिस्टर मीट सबको गाड़ी से ले जाने लगता है। मिस्टर मीट अपनी गाड़ी एक घर के सामने रोकता है और तभी घर के अंदर से ग्रेनी और ग्रैंडपा निकलते हैं। मिस्टर मीट ग्रेनी और ग्रैंडपा से बोलता है, देखो ग्रेनी और ग्रैंडपा, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली सोहन और रॉड को गाड़ी से नीचे उतारता है। ये सब देख के ग्रेनी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज तुम सबको जिंदा पका के खाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ग्रेनी गुल्ली बुल्ली सोहन और रॉड को देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज तुम सबको जिंदा पका के खाऊंगी। ये बोल के ग्रेनी वहां तुरंत जादू से आग लगा देती है और ग्रैंडपा से बोलती है, बुड्ढे तुम इन बच्चों को देखो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ग्रेनी जादू से वहां ट्रक बुलाती है। ट्रक आ जाता है। ये बोल के ग्रेनी मिस्टर मीट के साथ जाने लगती है ट्रक में बैठ के। इधर गुल्ली बुल्ली सोहन और रॉड को नहीं पता कि आज ग्रेनी इन सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वहां ग्रैंडपा आके बहुत तेज तेज से सोहन को डंडे से मारता है। सोहन की चीख निकल जाती है। ये सुन के रॉड की आंखें खुल जाती हैं। रॉड इधर उधर देखता है और बहुत डर जाता है। और ग्रैंडपा को देख के रॉड को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तभी रॉड वहां सोने की नाटक करता है। ग्रैंडपा रॉड के तरफ आता है और जैसे ही ग्रैंडपा रॉड को डंडे से मारने की कोशिश करता है, रॉड तुरंत ग्रैंडपा को फ्रीज कर देता है। ग्रैंडपा फ्रीज हो जाता है। रॉड तुरंत गुल्ली बुल्ली को उठाने लगता है। कोई उठ नहीं पाता है। गुल्ली बुल्ली बेहोश रहते हैं।
रॉड उठाने की कोशिश करता है लेकिन गुल्ली बुल्ली उठ नहीं पाते हैं। तभी रॉड बोलता है, कितना भारी है ये गुल्ली बुल्ली। अब रॉड शॉन को उठाने लगता है, शॉन उठ जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली को देख के बहुत डर जाता है और शॉन तभी रॉड से बोलता है, रॉड हम लोग को कैसे भी करके गुल्ली बुल्ली को बचाना होगा, नहीं तो ग्रेनी और मिस्टर मीट मार देंगे गुल्ली बुल्ली को। ये सुन के रॉड बोलता है, लेकिन हम लोग गुल्ली बुल्ली को बचाएंगे कैसे, हम लोग के पास उतनी शक्तियाँ नहीं है और ग्रैंडपा अभी बेहोश है, ग्रैंडपा कभी भी होश में आ सकता है और हम लोगों को मार सकता है। ये सुन के शॉन डर जाता है और बोलता है, चलो हम लोग बाबा के पास चलते हैं। रॉड और शॉन तुरंत वहाँ रखी एक जीप में बैठ जाते हैं और बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर ग्रैंडपा फ्रीज रहता है, तभी उधर से मिस्टर मीट और ग्रेनी आती हैं। ग्रेनी ग्रैंडपा को फ्रीज होते देख बहुत गुस्सा जाती है और ग्रेनी ग्रैंडपा के पास आती है और तुरंत अपनी शक्ति से ग्रैंडपा को अनफ्रीज करती है। ग्रैंडपा होश में आ जाता है। तभी ग्रेनी बोलती है, बुड्ढे तुमसे एक काम करने को दिया था वो भी नहीं कर पाए सही से। तभी मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के तरफ देखता है और बोलता है, ग्रैंडपा बाकी के दो लोग कहाँ भाग गए। ये सुन के ग्रैंडपा बोलता है, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए वो लोग। ये सुन के ग्रैनी बहुत गुस्सा जाती है और ग्रैंडपा को डंडे से मारने जाती है। तभी पीछे से मिस्टर मीट बोलता है, हम इन्हें लेकर मेरे घर पर चलते हैं, मेरे घर पर सारे मसाले रखे हुए हैं, हम इन्हें वहीं पका के खाएंगे। ये सब सुन के ग्रैनी और ग्रैंडपा तैयार हो जाते हैं। ग्रैंडपा एक एक करके सबको ट्रक में डाल देता है और बोलता है, चलो चलते हैं पका के खाने इन्हें। तभी मिस्टर मीट बोलता है, रुको इन्हें काट, चेनसॉ ले ले। मिस्टर मीट घर के अंदर से आता है, ग्रैंडपा मीट ट्रक पर गुल्ली बुल्ली को ले जा, गुल्ली बुल्ली को मिस्टर ग्रैंडपा नहीं छोड़ेंगे। ग्रैनी और ग्रैंडपा बुल्ली को जंगल के रास्ते से ले जाने लगता है। तभी मिस्टर मीट अपनी गाड़ी एक कुएं के पास रोकता है और मिस्टर मीट ग्रेनी ग्रैंडपा से बोलता है, चलो हम लोग इस कुएं में कूद जाते हैं। और तभी ग्रेनी बोलती है, बुड्ढे तुम दोनों बच्चों को एक एक करके कुएं में डाल दो। ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली को कुएं में डाल देता है। मिस्टर मीट ग्रेनी और ग्रैंडपा भी कुएं में कूद जाते हैं और एक पुराने से स्कूल के पास निकलते हैं। और तभी मिस्टर मीट बोलता है, ये मेरा इलाका है ग्रेनी और ग्रैंडपा, यहाँ हम लोग दोनों बच्चों को पका के खाएंगे। तब बोल के मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को उठा लेता है और भूतिया स्कूल के अंदर ले जाने लगता है और पीछे से ग्रेनी और ग्रैंडपा भी आ रहे होते हैं। और इधर शॉन और रॉड बाबा के घर पहुँच जाते हैं। बाबा अपना डोले मजबूत करने में लगे रहते हैं। तभी शॉन बोलता है, बाबा गुल्ली बुल्ली बहुत मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा, नहीं तो मिस्टर मीट ग्रेनी और ग्रैंडपा उन्हें मार देंगे। ये सुन के बाबा बोलते हैं, तुम चिंता ना करो शॉन, हमारे होते हुए गुल्ली बुल्ली को कुछ नहीं होगा। तभी पीछे से रॉड बोलता है, बाबा हमें तुरंत गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए। ये सुन के बाबा वहाँ तुरंत बादल को बुलाते हैं। बादल आ जाता है। बाबा बादल से बोलते हैं, बादल हमें गुल्ली में मदद करो। ये सुन के बादल बोलता है, ठीक है बाबा। और तभी बाबा शॉन और रॉड बादल पर बैठ जाते हैं। तभी शॉन बोलता है, बाबा मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को ग्रेनी और ग्रैंडपा के जंगल में ले गया है। ये सुन के बाबा बादल से बोलते हैं, बादल तुम हमें पास के जंगल में ले चलो। ये सुन के बादल बोलता है, ठीक है बाबा। बाबा शॉन और रॉड बादल पर बैठ के जाने लगते हैं। और उधर मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को एक रूम में रख देता है जहाँ ढेर सारा लाश पड़े होते हैं। इधर बाबा जंगल में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक कुआं दिखाई देता है। तभी बाबा बादल से बोलते हैं, बादल तुम उस कुएं के पास ले चलो। बादल कुएं के पास जाके रुकता है। बाबा शॉन और रॉड बादल से उतर जाते हैं। कुएं के पास से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं, जिसे सुनके शॉन और रॉड बहुत डर जाते हैं। तभी शॉन बोलता है, बाबा हमें बहुत डर लग रहा है। ये सुनते हैं, शॉन बिल्कुल भी मत डरोते हुए तुम लोगों अब चलो। मिस्टर मीट गुल्ली भूतिया स्कूल में ले गया है और रॉड एक एक करके कुएं में कूद जाते हैं।
और सब लोग एक भूतिया स्कूल के पास निकलते हैं। बाबा सॉन और रॉड को नहीं पता कि स्कूल की रखवाली मॉन्स्टर्स कर रहे हैं। बाबा सॉन और रॉड जब जाने लगते हैं तो चारों तरफ से बाबा सॉन लेते हैं और एक मॉन्स्टर बोलता है, तुम लोगों को नहीं है, तुम सब मारे जाओगे। ये सुन के बाबा गुस्से में और बाबा मॉन्स्टर को मार देते हैं अपनी शक्तियों से। भी पीछे से बाकी के मॉन्स्टर बाबा सॉन और रॉड पे लोग बेहोश हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स रॉड को उठा लेते हैं, स्कूल की तरफ ले जाने लगते हैं। मॉन्स्टर को उठा लेते हैं और स्कूल करते हैं। अरे मॉन्स्टर रुक कैसे गए? तो बाबा हैं, बाबा को रोक देते हैं। दूसरा मॉन्स्टर बाबा पे अटैक करता है, उसे अपनी शक्ति से मार देते हैं और फिर बाबा एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। बाबा फिर सॉन और रॉड के पास जाते हैं और बाबा तुरंत सॉन और रॉड को जादू से और रोड होश में आ जाते के बाबा बोल चलतिया स्कूल में तो मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को मार देगा। इतना बोल के बाबा भूतिया स्कूल में जाने लगते हैं और पीछे से सॉन और रोड भी आते रहते हैं। भूतिया स्कूल से बहुत अजीब अजीब सी और डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। ये सुन के बाबा सॉन और रॉड की हालत खराब हो जाती है। बाबा सॉन और रॉड गुल्ली बुल्ली को भूतिया स्कूल में ढूंढने लगते हैं और तभी बाबा बोलते हैं, सॉन तुम उधर जाके ढूंढो गुल्ली बुल्ली को और रॉड तुम उधर, नहीं तो ऐसे हम लोग गुल्ली बुल्ली को नहीं ढूंढ पाएंगे। स्कूल के अंदर से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। बाबा सॉन और रॉड अलग होके गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगते हैं। तभी सॉन के पीछे अचानक ग्रैंडपा आ जाते हैं। सॉन पीछे मुड़ के देखता है और ग्रैंडपा को देख के सॉन की हालत खराब हो जाती है। सॉन वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करता है, ग्रैंडपा उसे डंडे से मार के बेहोश कर देता है। सॉन बहुत तेज तेज से चिल्लाता है। ये सुन के बाबा रॉड डर जाते हैं। बाबा सॉन की आवाज सुन के समझ जाते हैं कि गुल्ली बुल्ली इधर ही कहीं होंगे और बाबा गुल्ली बुल्ली और सॉन को